नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादी हमले में एक गाइड को गोली लगी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, टूरिस्ट गाइड देहरादून का रहने वाला है जिसे आतंकवादियों ने गोली मारी है। गोली लगने के बाद रंजीत सिंह नाम का गाइड जख्मी हो गया। इसी हमले में एक जर्मन पर्यटक बाल बाल बचा है। जर्मन पर्यटक के साथ ही टूरिस्ट गाइड आया हुआ था जिन पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा कि आतंकवादियों ने यह हमला किया है। आतंकी हमले में एक तरफ गाइड जख्मी हुए तो दूसरी तरफ बाल बाल बचा विदेशी सैलानी। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड में दो रैलियां करने वाली हैं। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी की हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर रैली है। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट की रैली श्रीनगर या गौचर में हो सकती है। तो बड़ी खबर, प्रियंका गांधी उत्तराखंड आएंगी, दो रैलियां करेंगी प्रियंका गांधी उत्तराखंड में। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान जारी है। आज पौड़ी पहुंचे सीएम धामी ने अनिल बलूनी की बड़ी जीत का दावा किया। सीएम धामी ने सोमवार को पौड़ी के चौबट्टाखाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए प्रचार किया। सीएम ने कहा कि चुनाव में कहीं कोई टक्कर नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि उनका जीवन गढ़वाल के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि मैं गढ़वाल के विकास के लिए ही काम करता रहूंगा। कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा समर्पण है। आप सब लोग मिल रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, सब लोगों ने मन बनाया हुआ है इस बार भारी बहुमत से गढ़वाल लोकसभा से अनिल जी को, और हमारी और भी दो चार सीटें हैं, 5ों सीटों पर कमल खिलेगा और भारी अंतर से जीतेंगे। कोई मुकाबला नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ यही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। मैं यहां गढ़वाल के लिए, पूरी गढ़वाल लोकसभा के लिए, इस चबट्टा खाल के लिए, विकास के लिए जो कुछ हो सकता होगा हर कुछ करूंगा। आप लोगों को पता है मैं बड़े गंभीर रूप से बीमार था, मेरी जान लगभग चली गई थी और मैं लौट के आया हूं। और मैं आप लोगों को, चबट्टा खाल की जनता को विश्वास दिलाता हूं, मेरा जीवन मिला है, मेरे इस जीवन का क्षण क्षण और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल और चबट्टा खाल के लोगों के लिए काम आएगा। बागेश्वर की जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कहा कि उनका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कहती है तो कभी यूसीसी का विरोध करती है। तुष्टिकरण को बढ़ावा देना ही कांग्रेस की नीति है। चुनाव का कांग्रेस की ओर से जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, वो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा, एक तरफ तो हम मोदी जी के नेतृत्व में कह रहे हैं कि सबके लिए समान कानून लाएंगे, सबके लिए समान कानून लाएंगे, और ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ हम लागू करेंगे। ऐसा लगता ही नहीं कि कांग्रेस, इतनी पुरानी कांग्रेस, ये भ्रमित हो गई है। ये इनका घोषणा पत्र नहीं लगता, ये लगता है कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ये जारी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ तो कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इनका ये झूठ का पुलिंदा है। पूर्व सीएम हरीश रावत और हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने रुड़की में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, चुनाव प्रचार तेज किया, साथ ही रुड़की में सभा को संबोधित किया। विपक्षी पार्टियों पर इन्होंने निशाना साधा। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने कहा कि दूसरी पार्टी के लोग भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, चुनाव के वक्त दल बदलू नेता इधर उधर आते जाते रहते हैं। सेना के उधर उदय राज जी जो है वो शामिल हुए हैं पूरी टीम के साथ, तो ये तो मेला लगा रहता है, चुनाव के वक़्त लोग आते हैं जाते हैं, और जो लोग गए हैं मेरे, मैं तो उनको शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ। कोई तंज नहीं का, मैंने सत्य कहा है, मैंने किसी का नाम लेकर के नहीं कहा है, और मैं आपकी कल्पनाशीलता को प्रणाम करता हूँ कि आपने उस कल्पनाशीलता के चौखटे में एक संगठन को रख दिया। मैंने तो सामान्य बात कही। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने भले ही प्रचार तेज कर दिया हो, लेकिन किसान नेताओं ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया, और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की नजरें किसानों पर टिकी है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर किसानों की अहम भूमिका रहने वाली है।
क्योंकि हरिद्वार लोकसभा में 60% इलाका ग्रामीण क्षेत्र है जहां किसानों की पकड़ है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किसानों को साधने में जुटी है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि किसान अब एकजुट होकर आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं और किसान विचार कर रहा और संगठन के जिम्मेदार लोग भी बैठ रहे और विचार कर रहे, जो विचार बनेगा उसी हिसाब से किसान सबके विचार लेने के बाद ही किसान संगठन अपना निर्णय लेंगे। किसानों का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 7 विपक्षी विधायकों को किसानों ने जिताकर विधानसभा भेजा था, लेकिन वो आज तक किसानों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए और किसानों के किसी धरना प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हुए। इसीलिए किसान अब राजनेताओं को समझ चुका है और इस लोकसभा चुनाव में सोच समझकर वोट करेगा। 7 विधायक तो हमने जिता दिए हरिद्वार की जनता ने, लेकिन कोई भी विधायक किसानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। किसानों की समस्याएं बिजली की जो कि तू है, कोई बिजली की सरकार ने पेनल्टी माफ नहीं करी, कोई शुल्क नहीं घटाया, समस्याएं जिले की जो कि तू है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, लेकिन अभी तक किसानों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किसे समर्थन करेंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस की नजर इसी बात पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। हरिद्वार पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल तक बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं ताकि अब की बार 400 पार में वो भी अपनी आहुति डाल सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर कच्छ तक पूरे भारत को एक मान दी है। नरेश बंसल ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। सबको साथ लेकर चलेंगे। 19 तारीख तक हमने बड़े दरवाजे खोल रखे हैं उत्तराखंड के अंदर, और क्योंकि अब की बार 400 पार सब कह रहे हैं, उस 400 पार के यज्ञ में जो अपनी आहुति देना चाहते हैं हम सबका स्वागत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड आने वाले हैं। रुद्रपुर के बाद प्रधानमंत्री इस बार ऋषिकेश पहुंचेंगे। सीएम ने सोमवार को भूमि पूजन किया तो बीजेपी का दावा है कि 11 अप्रैल सुबह 10 बजे 1,00,000 लोगों की जनसभा ऐतिहासिक होगी। ग्यारह अप्रैल गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऋषिकेश में पहली चुनावी रैली का मंच तैयार होगा। ऋषिकेश गढ़वाल की 3 लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ता है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि हरिद्वार के साथ साथ संदेश पौड़ी और टिहरी में भी जाएगा। प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा ऐतिहासिक रहे इसीलिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को IDPL ग्राउंड पहुंचकर भूमि पूजन किया। देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने बहुत किया है, अब हम सबकी बारी है, हम सब लोग करेंगे। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार लोकसभा में आता है जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली बीजेपी के लिए हरिद्वार में बड़ी जीत हासिल करने की चुनौती है। रैली और हरिद्वार लोकसभा के इंचार्ज कुलदीप कुमार की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से माहौल बदलेगा और यही विश्वास लोकल विधायक और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी है। देखिए कम से कम 1,25,000 लोग यहां पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने आएंगे और ऋषिकेश के अंदर ये चुनावी रैली होने जा रही है। इसके आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं और मुख्य रूप से जो हमारी लोकसभा हरिद्वार है इसको हमने इसमें फोकस किया है। उत्तराखंड के प्रति उनका बहुत प्यार है तो मैं ये कह सकता हूँ इस बार हमारा मार्जिन और ज्यादा होगा और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने वाले प्रत्याशी यानी कांग्रेस की, और चूंकि मोदी जी आ रहे हैं फिर तो उनकी जमानत जब्त तो भी हो सकती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। बीजेपी की चिंता हरिद्वार सीट है जहां पूर्व सांसद के कार्यकाल के खिलाफ नाराजगी और विधानसभा में कांग्रेस की मजबूत पोजीशन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है और ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की रैली करके बीजेपी यही माहौल बदलना चाहती है। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में कैबिनेट मंत्री बीके सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। देहरादून में नया गांव इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बीके सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की जनता से अपील की। बीके सिंह ने कहा, उत्तराखंड की पांचों सीट बीजेपी जीतने वाली है। फीडबैक बहुत उत्तम है, प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है और जो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। पूरा देश राममय है, जो 400 प्लस का नारा मोदी जी ने दिया है उसकी शुरुआत टिहरी लोकसभा से होने जा रही है और टिहरी लोकसभा 5 लाख से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मंगलवार यानी कि 9 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल जीबी पंत विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। कांग्रेस को यह कार्यक्रम पसंद नहीं आया क्योंकि इस कार्यक्रम में आरएसएस के प्रांत प्रचारक और यूनिवर्सिटी के कुलपति को हिस्सा लेना है। कार्यक्रम में आरएसएस के प्रांत प्रचारक को मुख्य अतिथि बनाया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको बता दें, 9 अप्रैल को आयोजित चैत शुक्ल प्रतिस्पा नवारंभ कार्यक्रम में विश्वविद्यालय संवैधानिक संस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को मुख्य अतिथि बनाया है, जिससे आदर्श चुनाव संहिता का खुला उल्लंघन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी से रिजाइन दे वो, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहे कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर वो बीजेपी में जा रहे हैं, अब बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए काम करूंगा। हालांकि कांग्रेस से जब इस वीडियो को लेकर बात की गई तो उनका कहना है कि इस तरह के वीडियो से साफ होता है कि बीजेपी हताश है, निराश है, अपनी कमियों को छिपाने के लिए पार्टी ये कर रही है। बीजेपी की निराशा इस वीडियो में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके इस बयान से स्पष्ट परिलक्षित होता है वो हताश है, निराश है। रुद्रप्रयाग जिले में दिव्यांग मतदाता और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के घर घर जाकर मतदान करवाया जा रहा है। जिले की 2 विधानसभाओं में 67 दिव्यांग और 335 मतदाता 85 साल से अधिक उम्र के, जिन्होंने फॉर्म 12D में आवेदन किया था, घर पर ही मतदान की अपील की थी। ऐसे मतदाताओं के लिए सोमवार से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 12 अप्रैल तक घर पर वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। मैं कुमारी सुंदरी, जनपद रुद्रप्रयाग से, मैं दिव्यांग हूँ। मैंने आज अपने घर में वोट डाला है। आप सब अपने बूथ पे 19 अप्रैल को वोट डालने जाएं। उत्तरकाशी में भवान गांव की 101 साल के बुजुर्ग कमला देवी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की है। दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर के लिए पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर वोटिंग करवा रही हैं। उत्तरकाशी जिले में 484 बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। उत्तराखंड में अब कांग्रेस की महिला विंग बेहद उत्साहित हैं। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर नए उत्साह के साथ पहुंच रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं। लेकिन यह तरीका बीजेपी से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बटन दबाओ, शाम से
कंधे के निशान पे, अरे बटन दबाओ शान से, कंधे के निशान पे। कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत से हमने सदन तक ले जाना है और आप देख रहे हैं पानी की समस्या यहाँ पे है, इसमें वोट देना है क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो सबको साथ लेकर चलती है। प्रकाश जोशी जी को वोट देना है और उनको भारी मतों से विजय बनाना है। आपने बीजेपी के चुनाव प्रचार का शोर बहुत देखा होगा, लेकिन इसके इधर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता चुपचाप अपने काम में जुटी हुई है। कांग्रेस की ये कार्यकर्ता लोगों के घरों में पार्टी का न्याय पत्र यानी कि घोषणा पत्र लेकर जा रही हैं। कांग्रेस के वादे और बीजेपी सरकार की पिछली 10 साल की नाकामियां गिना रही हैं। हम रसोई का बजट ले रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं तो महिलाएं सब तराई तराई कर रही हैं कि हमारा गैस का दाम बढ़ गया है, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया, रिफाइंड का दाम बढ़ गया इस तरह से। और अग्निवीर योजना जैसी निकाल दी, 4 साल में बच्चा रिटायर होकर आ रहा है। आज पहाड़ों में ऐसी दयनीय दशा हो गई है कि लड़कों को लड़कियां मिलनी मुश्किल होगी, इस तरह से मतलब जनता के बीच में काफी आक्रोश है। भैया यही समझा रहे, पहले तो देखो हम डोर टू डोर जो कर रहे हैं तो उसमें हम जनता के बीच में जा रहे तो जनता बहुत आक्रोशित है क्योंकि वो कह रही है कि 10 सालों में हमारे इतना महंगाई चरम सीमा पे है और जिस घोषणा पत्र को लेके ये बीजेपी सरकार जनता के बीच में आई थी तो उस घोषणा पत्र का एक भी इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। जाहिर है कांग्रेस का न्याय पत्र सामने आने के बाद उसकी महिला कार्यकर्ता जोश में, क्योंकि इस न्याय पत्र में अग्निवीर योजना को खत्म करने, महिला आरक्षण, नौकरी और बेरोजगारी को लेकर कई गारंटीड वादे किए गए। ऐसे में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता कांग्रेस के इन वादों को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर रेल लाइन का मुद्दा चुनावी फलक में आ गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के मुद्दे पर जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी ने रेल लाइन बनाने में कांग्रेस की भूमिका का सबूत मांगा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का मुद्दा दशकों से अल्मोड़ा लोकसभा में छाया है। ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं की इस पहाड़ी रेल लाइन का सर्वे पहली बार 1912 में किया था, लेकिन तब से अब तक ये लाइन सर्वे से आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में ये रेल लाइन चुनावी मुद्दा बन रही है। कांग्रेस का दावा है कि 2013 में इस रेल लाइन को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया गया था, लेकिन बीते 10 सालों से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने रत्ती भर भी काम नहीं किया। साल के कार्य जीरो है। मैं जहां छोड़ के गया था टनकपुर बागेश्वर की रेल भी कभी दौड़ेगी जैसे ऋषिकेश के कर्णप्रयाग तो अगले साल पहुंच जाएगी। क्या हुआ उस टनकपुर बागेश्वर का? मैं रामनगर से चौखटिया की रेल को स्वीकृत करा गया था। मैंने टनकपुर जौलसी रेलवे के मार्ग को स्वीकृति दिलवाई थी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों के लिए फायदेमंद हो सकती है। 155 किलोमीटर की इस रेल लाइन के लिए अब तक 6 बार सर्वे हो चुका है। चुनावी समर में कांग्रेस ने रेल लाइन के जिन को बोतल से बाहर निकाला तो बीजेपी भी पलटवार करने से नहीं चुकी। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार में रेल लाइन के सर्वे के लिए पहली बार 28 करोड़ का बजट जारी हुआ। यही नहीं, 2022 में रेल लाइन का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति का पत्र उनके पास है तो वो दे, खाली जबरदस्ती उसको ढकोसला ना बनाए। और 1920 में इसका सर्वे का कार्य पूरा हुआ है, प्रारंभ पुनः हुआ है और 155 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक है और 31 12 2022 को सर्वे कंपनी ने सर्वे करके रेलवे बोर्ड को सौंपा है। लोकसभा चुनाव के बीच रेल लाइन का मुद्दा क्या गुल खिलाएगा ये तो कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सपना यहाँ के लाखों लोग दशकों से देख रहे हैं। यही नहीं, इस सपने को साकार करने के लिए दर्जनों बार सड़क से संसद के बाहर तक आंदोलन भी कर चुके हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पहाड़ों पर महिलाओं का संघर्ष किसी से छिपा नहीं है, चाहे पहाड़ की तकदीर बदलनी हो या फिर जन आंदोलन, महिलाओं की ही भूमिका सबसे आगे रही है, लेकिन चुनाव के बाद महिलाओं को सभी भूल जाते हैं। सत्ता बदलने का दम रखने वाली यही महिलाएं फिर चुनाव में याद आ रही हैं।
पहाड़ के संघर्ष से लेकर गांव घर की रसोई की भागीदार इन महिलाओं पर लोकसभा चुनाव में राजनेता डोरे डाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यही आधी आबादी पर बीजेपी की नजरें हैं, तो कांग्रेस भी इनको अपने पक्ष में करने में जुटी है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को भी इन महिला वोटरों से खासा उम्मीद है। जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उससे हमारी महिलाएं प्रभावित है, चाहे हमारा राशन है अंत्योदय, हमारे जितने भी राशन कार्ड हैं, और चाहे हमारी आप देखिए महिलाओं को 5 लाख तक का हम लोगों का एक योजना चलाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। दरअसल पहाड़ की महिलाओं का खेती बाड़ी से लेकर घर चलाने और राजनीतिक क्षेत्र में भी दबदबा रहा है। चिपको आंदोलन हो, चाहे शराबबंदी के लिए नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, या फिर उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन, सभी में इन महिलाओं की भूमिका बड़ी रही है। नैनीताल लोकसभा सीट पर तो 10,57,189 पुरुषों के मुकाबले 9,69,194 महिला वोटर हैं। लेकिन वोट के वक्त याद आने वाली ये महिलाएं चुनाव बाद फिर हाशिए पर चली जाती हैं। हमारा जो तंत्र है या जो व्यवस्था है, जो पितृसत्तात्मक हमारा समाज है, वो हर जगह हावी है, चाहे वो राजनीति हो चाहे या हमारा सामाजिक परिवेश हो, तो वो आसानी से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि महिलाएं जो है अग्रणी भूमिका में रहे। पहाड़ के जल जमीन जंगल पर महिलाएं शुरू से लड़ाई करते आई हैं, आज से नहीं, जब से चिपको आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन से शराबबंदी आंदोलन चला, महिलाएं हमेशा ही अपने मुद्दों की बात करते हैं लेकिन सरकार असुनी करती है। बहरहाल महिलाओं की बातें चुनाव में तो हो रही है, लेकिन चुनाव के बाद पहाड़ का ही संघर्ष इनकी किस्मत में रह जाता है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।